छह अनर्थ जो है हमारे हृदय में, हाँ, ये हम असल में कौन है? शास्त्रों के अनुसार हम हैं जीवात्मा, हम भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान के अंश हैं और आत्मा और परमात्मा, आत्मा और भगवान के बीच में नित्य संबंध है, हाँ, प्रेम का संबंध है, स्वाभाविक प्रेम है हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो स्वाभाविक प्रेम है वो अभी क्यों फील नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा हृदय में गंदगी भरा हुआ है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए जो लोहा होता है, लोहा चुंबक से स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। लोहा और चुंबक के बीच में स्वाभाविक आकर्षण, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोहा चुंबक से आकर्षित नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो तब होता है जब उसके ऊपर जंग चढ़ा हो। लोहे के ऊपर अगर जंग चढ़ा है तो चुंबक से आकर्षित। तो वो जंग क्या है? वो गंदगी है। वो जंग जब निकल जाए, वो जंग निकाल दें, साफ करें उसको, तो स्वाभाविक रूप से तब जो लोहा है वो चुंबक से आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा लोहे जैसा है और भगवान चुंबक जैसा है। भगवान से हर जीव स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में है। लेकिन हमारे हृदय में जो गंदगी जो भरा हुआ है, उस गंदगी कारण उस जो रस्ट, यानी जो उसके ऊपर जो जंग चढ़ा हुआ, उस जंग के कारण, उस रस्ट के कारण, उस गंदगी के कारण जो स्वभाव हमारे अंदर वो बाहर नहीं निकलता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वो गंदगी को साफ करना है। जो हमारा हृदय में जो भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य रूपी जो गंदगी, ये गंदगी छह प्रकार की, वो ये छह है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। इस गंदगी को जब अगर साफ कर देंगे तो नेचुरली जो आत्मा है परमात्मा से फुल फोर्स के साथ अट्रैक्ट होता है, और जो शुद्ध जीवात्मा जो है वो भगवान के साथ प्रेम का संबंध में डूबा रहता है और आनंद का समुद्र में डूबा रहता है। पर वो आनंद हमें इसलिए सिर्फ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारा हृदय अभी इस गंदगी से घिरा हुआ है। और एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आईना है, आईने में बहुत नहीं, सालों से आईने को साफ नहीं किया गया, सालों का धूल मिट्टी उसमें जमा हुआ है। अगर उस आईने के सामने अगर आप खुद खड़े रहेंगे तो क्या आप अपने आप को देख पाएंगे? क्योंकि वो इतना गंदा है कि आपका जो रियल स्वरूप है नहीं दिख पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस गंदगी को साफ करना, तो तब जो है आपका ओरिजिनल स्वरूप जो है वो दिखेगा। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में जो ये मिट्टी है, जो गंदगी है, वो क्या है? वो अच्छे प्रकार के आनंद, उनको जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी चेतना को ये सब लुटेरे चोरी करके जा रहे हैं। हमारे पास जो भी चेतना है, जो भी हमारा मन और शरीर और इंद्रिया की जो शक्ति है, इसको जो ये लुटेरे जो है सब चोरी करके जा रहे हैं। इसलिए उनको बताया है, चौरेर महाबल विरिंद्रिय नामधेय ही। जो हमारी इंद्रियां जो है ये बहुत बड़े चोर है, ये हमारी सारी चेतना को चोरी करते। राधे राधे गोविंद।